आज की तारीख में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। दोस्त कब दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। हेलो फ्रेंड्स, माय ओपीसी। 19 साल के शरद कुमार को ये अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही दोस्त, उसके अपने जिगरी दोस्त, जिनका उनके घर पे आना जाना था, उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। शरद कुमार के पिताजी निरंजन कुमार नायर इनकम टैक्स ऑफिसर थे बेंगलुरु में, और उन्होंने अपने बेटे को एक नई मोटरसाइकिल खरीद कर दी थी। शरद बहुत ही खुश था और 12 सितंबर 2017 को लगभग 6:10 पे शरद कुमार अपनी नई बुलेट मोटरसाइकिल लेकर अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में उसके दोस्त एक स्विफ्ट कार में उसे मिलते हैं। उन्होंने उसकी बुलेट मोटरसाइकिल वहां खड़ी करवा दी और शरद कुमार को गाड़ी में बिठा लिया। उस कार में विशाल, शांता कुमार, विनय और करण पहले से मौजूद थे। उन लोगों ने शरद को किडनैप कर लिया और शरद को बोला कि वो अपने पिताजी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करे, जिसमें अपने पिताजी से वो 50 लाख रुपए मांगे। अपने पिताजी को बोले कि उसका किडनैप हो गया है और वो 50 लाख रुपए किडनैपर्स को दे दे, नहीं तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। उनके कहे अनुसार शरद ने वीडियो में ये मैसेज अपने पिताजी को दिया और उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज पुलिस में मत जाइएगा, पुलिस में मत जाइएगा। विशाल ने फोन करके शरद कुमार की सिस्टर से ये जानकारी ले ली कि वो लोग पुलिस को अप्रोच कर चुके हैं और वो लोग रैंसम नहीं देने वाले हैं। तब विशाल अपने साथियों के साथ मिलकर शरद की चाकू मारकर हत्या कर देना चाहता था, लेकिन उसके साथी चाह रहे थे कि शरद कुमार को छोड़ दिया जाए, लेकिन विशाल जो उसका जिगरी दोस्त था शरद का, उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, इसे मारना ही पड़ेगा, वरना ये हम लोगों को पहचान लेगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने के डर से उन लोगों ने अपने साथ लाए रस्सी से शरद का पिछली सीट पे गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को पिछली सीट की फर्श पे गिरा दिया। विशाल ने जब शरद कुमार की हत्या कर दी तो गाड़ी में उसकी डेड बॉडी को डालकर वो लोग नरसिंह मैया तालाब में ले गए और तालाब में के पास उसकी बॉडी से पत्थर बांधे और पत्थर बांधकर उसकी बॉडी को तालाब में फेंक दिया। बॉडी पत्थर की बोझ की वजह से नीचे चली गई और दूसरे दिन, एक दिन के बाद 12 तारीख को रात को 1 बजे, मतलब 13 तारीख हो गया था, 13 तारीख मॉर्निंग, उस समय लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया, डेड बॉडी को पत्थर बांधकर लेक में डाला। और एक दिन के बाद 14 तारीख को देखने के लिए आए कि डेड बॉडी ऊपर तो नहीं आई है, लेकिन डेड बॉडी ऊपर नहीं आई थी। लेकिन 16 को वो लोग वापस देखने के लिए तालाब पे आए, तब उन्हें डेड बॉडी ऊपर तैरती हुई मिली। तब उन लोगों ने वापस डेड बॉडी को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद और ज्यादा पत्थर बांधे उसके बॉडी से और वापस उसे तालाब में डाल दिया। और 2 दिन के बाद जब वो लोग वापस आए तो वापस डेड बॉडी बाहर ही तैर रही थी और डेड बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। तब उन लोगों ने डेड बॉडी को बाहर निकाला और वहां से शिफ्ट करने का फैसला किया। उन लोगों ने शरद की बॉडी को एक बोरी में डाला और कार की डिक्की में डाल दिया डेड बॉडी को, और वहां से 3 किलोमीटर दूर लेके गए एक क्वारी के पास। वहां खड्डा खोदा, खड्डा खोद के रोड के बगल में एक खड्डा खोदा और उसमें उसे दफन कर दिया। पुलिस को शुरू से इन लोगों के ऊपर शक था और इनके मोबाइल फोन ट्रैक करने के बाद इनका लोकेशन लेक के पास दिखाई दिया और उसके पहले शरद के साथ शुरू में दिखाई दिया। पुलिस को विशाल और उसके साथियों के शक था, उन्होंने इन सबको गिरफ्तार किया, उनसे कड़ाई से पूछताछ की और 3rd degree का इस्तेमाल किया। तब इन लोगों ने अपना मुंह खोल दिया, इन लोगों ने सब कुछ बता दिया। पूरा प्लान विशाल का था, विशाल मास्टरमाइंड था, जो कि उसका जिगरी दोस्त था, जिसका उसके घर में आना जाना था, उसने पैसों की खातिर इस कांड को अंजाम दिया था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, एक जिगरी दोस्त अपने दोस्त के साथ ऐसा कुछ कर सकता है, और खास करके शरद कुमार के घर वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके घर में आने जाने वाला फैमिली मेंबर की तरह विशाल उसने इस कांड को अंजाम दिया।
हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.